मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विवेक प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से ले जाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रकट या अप्रकट रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मनोनीत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रचित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा रूप से संसदीय का प्रस्तुत नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने के लिए पास करें। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक औचित अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूँगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और तीव्र अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। Thank you.
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।